खेसारी लाल यादव। इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार, गरीबों का मसीहा, ट्रेंडिंग स्टार न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। इन्हें लेकर ये कहा जाता है कि खेसारी आगे आगे और विवादे पीछे पीछे। जी हाँ, खेसारी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कंट्रोवर्सी इनका पीछा कभी नहीं छोड़ती। खेसारी कहते हैं कि जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसे बुरी बातों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि खेसारी की जिंदगी में विवादों का ही अहम भूमिका रहा है। एक विवाद के वजह से ही आज खेसारी यहाँ है। तो कौन सी कंट्रोवर्सी ने खेसारी की जिंदगी बदल दी, ये हम आप सभी को बताएं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप सबको कुछ पूछना या जानना है तो आप सब हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं कि आखिर कौन सा वो विवाद है जिसका शुक्रिया खेसारी आज भी करते हैं। तो ये बात है साल 2010 की, जब खेसारी कुछ भी नहीं थे और उनको कोई भी नहीं जानता था। 2010 में अप्रैल 12 को सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी रचाई। इनकी शादी के बाद 18 अप्रैल को खेसारी ने अपना एल्बम रिलीज किया। गाने का नाम था नथिया वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। और अप्रैल 21 को खेसारी पर सानिया मिर्जा ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया और 21 अप्रैल को ही खेसारी को जेल भी हो गई और खेसारी 5 दिनों तक जेल में ही रहे। इस विवाद के होने के बाद खेसारी इतने फेमस हो गए कि रातों रात ये स्टार बन गए। दनादन फिल्में और गाने के ऑफर इन्हें मिलने लगे और इसी विवाद और इसी गाने से खेसारी को पॉपुलैरिटी हासिल हुई। खेसारी कहते हैं कि खोकर पाने को ही जिंदगी कहते हैं। खेसारी ये भी कहते हैं कि सानिया ने मुझे जेल भिजवाया तो वहीं मेरी कामयाबी में अहम भूमिका भी निभाई। तो इस तरह एक विवाद ने खेसारी को सुपरस्टार बना दिया। विवाद के जरिए ही खेसारी को असली पहचान मिली। फिलहाल खेसारी भोजपुरी की आन बान और शान है। वेल, खेसारी के इस विवाद पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।